नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से सटे हरियाणा और यूपी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का सोमवार यानी कि आज 26वां दिन है। सरकार ने रविवार रात को प्रदर्शन कर रहे किसानों को अगले दौर की बातचीत के लिए न्यौता दिया। सरकार ने चिट्ठी लिखकर किसानों से ही बातचीत की तारीख तय करने के लिए कहा है। अब किसानों ने इसको लेकर क्या कुछ रणनीति तय की है, राष्ट्र धर्म में आज इसी मसले पर चर्चा की जाएगी। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सीमाओं पर तमाम परेशानियां झेलते हुए आज किसानों के आंदोलन का 26वां दिन है। इसके साथ ही किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने के लिए नई रणनीतियों की घोषणा कर दी है। इससे पहले किसानों ने रविवार को अपील की थी कि 27 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर मन की बात करें तो सभी अपने घरों में थाली बजाएं। भारतीय किसान यूनियन के जगजीत सिंह डल्लेवाला ने बताया कि किसानों ने 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में सभी टोल प्लाजा फ्री करने का फैसला भी किया है। वहीं यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाएगा। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे उस दिन एक वक्त का खाना छोड़ें। एक नई रणनीति बनाई गई है। किसान नेता हमारे साथ बातचीत करते हैं। सर, नई रणनीति तैयार हो चुकी है कि अब सरकार को घेरना है। हाँ। क्या कुछ रणनीति के तहत आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी? देखो, ये रणनीति बनानी पड़ती है। जब आंदोलन लंबे चलेंगे तो उसकी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की रणनीति के लोग बिजी भी रहें और अपना काम भी करते रहें, उसका ध्यान भी करें, क्योंकि ये नहीं पता कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा। अभी इसकी कोई वो नहीं है कि इसका डेड लॉक इसका खुल रहा है, अभी नहीं खुल रहा। और ये जो हंगर स्ट्राइक चलेगी, जो एक चैन टू चैन जोड़ने का एक प्रोग्राम है कि 11 आदमी भूख हड़ताल पर बैठेंगे 24 घंटे के लिए, ये एक लंबा प्रोसीजर इस आंदोलन का रहेगा। 23 तारीख को किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, बड़े किसान लीडर हमारे हुए हैं और हमने ये अपील करी कि पूरा देश सरकारी स्तर पर उसको किसान दिवस के रूप में मनाएगा। और किसान ने अपील करी है कि उसी दिन आंदोलन के लिए एक दिन का भोजन, कोई भी आदमी है, शहर में रहने वाला है, गांव है, जो टच है, जो देख रहा है, एक दिन का भोजन का वो त्याग करें, ये हमने कहा है। 3 दिन के लिए आगे के लिए ये रहा है कि 25, 26, 27 तारीख में, 26 तारीख के बाद में ये रहेगा कि जितने भी MP MLA हैं उनको चिट्ठी लिखेंगे, उनके घर पर देख आएंगे और उनसे जवाब मांगेंगे कि आपका 3 बिलों का इसका क्या आपका कहना है। वो जो उस पर देंगे लिख के उनसे जवाब हम मांगेंगे, वो हम पब्लिक में पब्लिश करेंगे। ये हमारे प्रोग्राम अभी रहेंगे। टोल प्लाजा का भी टोल प्लाजा किया जाएगा का हरियाणा में कर रहे हैं, तो हरियाणा में 72 घंटे के लिए टोल फ्री की कॉल उन्होंने दी। सरकार ने एक और नीति शुरू कर दी है कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उनके घरों पर रेड की जा रही है, खास करके व्यापारियों पर और आढ़तियों पर। हाँ, व्यापारियों पे, आढ़तियों पे, सब जगह कर रहे हैं। वो होता है, एक आंदोलन को तोड़ने का एक तरीका होता है और इस सरकार में इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। लेकिन एक चीज और भी देखने में आई कि आज मेरठ से एक तस्वीर सामने आई कि वहां से कुछ किसान जत्थेबंदियां, कथित किसान जत्थेबंदियां कह सकते हैं, कि वो आज दिल्ली की तरफ कूच करती हैं और कहती हैं कि हम इन कानूनों का समर्थन करें। वो अपना जो उन्होंने गन्ना बेचा, धान बेचा, कोई चीज है वो जरूर दिखाए। वो एक महाराज है जिसपे अपनी वाइफ को मारने की हत्या का साजिश उसने रची थी और उसने ये कराए, उसको एक टिकट उसको चाहिए कि उसको दिखाने के लिए कि मैं BJP के साथ में हूँ, उसको एक टिकट चाहिए। वो टिकट आपको नहीं लगता कि BJP की मंशा साफ नहीं है? एक तरफ तो टेबल टॉक की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की रणनीतियां दिखा रहे हैं। वो अभी घूम कर आ जाएंगे, कर लेने दो, ये जरूरी है उनके लिए करना। वे गांव में घूमने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे। जो वानर होता है, जो बंदर होता है, वो बुढ़ापा जब उसको आ जाता है तो गुलाटी मारने नहीं छोड़ता, तो ये गुलाटी मार रहे हैं, अभी इसको घूमने दो। बहरहाल, पंजाब के अलग अलग अस्पतालों का मेडिकल स्टाफ किसानों की मदद के लिए पहुंच रहा है। उनका कहना है कि हम यहां किसानों के समर्थन में आए हैं। दूसरी ओर, कृषि कानूनों के विरोध में राजस्थान में भी 12 दिसंबर से आंदोलन जारी है। राजस्थान में हो रहे आंदोलन में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के किसान संगठनों के प्रतिनिधि और किसान भी शामिल हुए हैं। उनके लिए टेंट लगाए गए हैं। यहाँ रात का पारा 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने लगा है, खेतों में ओस की बूंदें जमने लगी हैं, लेकिन फिर भी किसान डटे हुए हैं। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।
तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच सरकार की तरफ से एक बार फिर से वार्ता के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और इस बार तारीख तय करने की जिम्मेदारी किसानों को ही दी गई है। देखने वाली बात तो यही रहेगी कि किसान किस तरह से क्या कुछ वार्ता को आगे बढ़ाते हैं, क्या कुछ उनकी रणनीति रहती है। वार्ता को लेकर तमाम रणनीतियां जाहिर कर दी गई हैं किसानों की तरफ से, लेकिन समस्या का समाधान वार्ता से कैसे निकले इसको लेकर रणनीति तय करना अभी किसानों के लिए बाकी है। इस मसले पर चर्चा के लिए दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मथुरा दत्त जोशी जी जो कि कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, इसके अलावा राघवेंद्र सिंह जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आप ही केंद्र में बैठे हुए हैं और आपने प्रस्ताव एक बार फिर से भेजा है कि आइए बातचीत कीजिए, बातचीत से ही रास्ता निकल पाएगा, लेकिन अभी बातचीत के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं किसान। सिर्फ बातचीत ही ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कोई भी निर्णय लिया जाता है, आवाज इको हो रही है। आवाज देखिए, हमारे ऊपर ये लगातार आरोप लग रहा है कि हम लोग किसानों के हैं। सबसे पहले तो बता दें, हम लोगों ने जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी 40,000 करोड़ का ऋण माफ किया था, केंद्र की सरकार बनी थी हमने 6,000 रुपए किसान सम्मानित देने का काम किया। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड हम लोग ले आए, इसके बाद स्वाइन हेल्थ कार्ड हम लोग लेके आए, इसके बाद हम लोगों ने जो किसानों का जो लोन था जो कांग्रेस सरकार में 18% किसान को देना पड़ता था और हम लोगों ने उसको किसी तरीके से कम करके 4% में लाए। इस विषय को कहना बिल्कुल निराधार है, हम लोग किसानों के हितैषी नहीं है। हमारे जो है कृषि मंत्री जी भी कह चुके हैं, गृह मंत्री जी भी कह चुके हैं और जो हमारे जितने बड़े बड़े नेता है सब किसान परिवारों से ही आते हैं। ऐसा नहीं है किसानों के हितों की रक्षा हम लोग करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए 2022 तक हम लोग किसानों की आय दोगुनी करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम लोग ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, लगातार वार्ताओं का दौर चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो है आगे आने वाली जो अगली बैठक है वो किसी न किसी परिणति में पहुंचेगी। ठीक है, मथुरा दत्त जोशी जी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन गैप बीच में आ गया है वो किसकी तरफ से आया है? देखिए, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। सरकार को इतना कहना था कि अगर सरकार संवेदनशील होती, किसानों के प्रति गंभीर होती तो सरकार को कहना चाहिए था कि ठीक है, जो MSP है आज तक जो MSP रही हम उसको लागू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न सरकार MSP की बात कर रही है, न सरकार मंडी को जिंदा रखने की बात कर रही है, न सरकार किसानों को आश्वस्त कर पा रही है कि भाई आप आंदोलन मत करिए, हम आपके हितों के संरक्षण देंगे। देखिए ना, कितना बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि किसान आंदोलित क्यों है, ये है सवाल। सवाल ये नहीं है कि कौन क्या करेगा, किसने क्या किया, करेगा नहीं करेगा, ये अलग बात है। कौन सरकार करेगी, कुछ किया भाई। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आ गई, आप कहते हो कि लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए, आपकी सरकार ने उसको किया क्यों नहीं अभी तक? कर देते आपको क्या दिक्कत होती? और आनंद फानंद में आपको बिना पार्लियामेंट को बुलाए हुए आपने 3 बिल आपने ऑर्डिनेंस करा दिया उसमें, और उसके बाद आप पार्लियामेंट में उसे डिस्कस करने को तैयार नहीं, आप डिस्कस कर लेते तो कहीं कोई उसमें नहीं है। लेकिन सरकार कतई गंभीर नहीं है। किसान आज एक बात कहता है कि हमारा MSP चकोर रहना चाहिए, सरकार उसके प्रति कतई गंभीर नहीं है, ना उसको MSP देना चाहती है। और केवल नहीं तो बोल तो रहे हैं कि लिखित में हम गारंटी दे देंगे, और कैसे बोले सर, वो बार बार कह तो रहे हैं कि लिखित में गारंटी देंगे, आपके MSP के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। देखिए ना, जब आप किसान जितने भी आपके कृषि सुधार विधेयक हैं, मई के महीने में आपने ऑर्डिनेंस जारी किया तो आप कल ऑर्डिनेंस जारी क्यों नहीं कर सकते हैं MSP हमारी ये रहेगी? आपने अभी तक कहाँ किया कि धान खरीद क्या रहेगी? आपने कहाँ किया कि गन्ने की खरीद हम किस नाम पर करेंगे? कहाँ MSP रहेगी? आप कहिए ना, हमें क्या दिक्कत हो रही, कह दीजिए कल के दिन। ठीक है, बहुत विनम्रता के साथ कह रहे हैं कि कह दीजिए ना सरकार। देखिए, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, किसान के मन की बात कभी की? आप देख लीजिए, दो एपिसोड 3-4 एपिसोड आ गए हैं, कहीं किसान क्यों आंदोलित है, किस बात में किसान आंदोलित है, उसकी कहीं जिक्र ही नहीं है। कहाँ कह रहे हैं आप? राघवेंद्र जी, समस्याएं काफी हैं यहाँ पर। देखिए, MSP को लेकर तो सवाल उठ ही रहे थे, अब तो दिक्कत ये भी है कि जा रहे हैं प्रधानमंत्री गुरुद्वारे में माथा टेकने, चलिए बहुत अच्छी बात है, किसान कह रहे हैं हमारे बीच में ही आ जाते, आप मन की बात कर रहे हैं, किसानों की 4 बातें सुन लेते तो शायद समस्या का समाधान निकल जाता। देखिए, किसानों की समस्याओं का लगातार सुनना जारी है और आगे भी रहेगा।
किसान हमारे परिवारों के भाग है और हम लोग किसानों पे हम लोग परिवारों की वेदना नहीं जानते हैं, किसान परिवारों के विषय को नहीं जानते हैं। ये एमएसपी वाला विषय है और ये दूसरा विषय जो आ रहा है, एक निकल के बार बार आ रहा है कि जो व्यापारी है, बड़े पूंजीपति है, जमीन पर कब्जा कर लेंगे। पहली बात तो जो कानून बने हैं उनमें कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उसमें कहीं पर भी भूमि का जिक्र नहीं है। सब बात बार बार आ चुकी है, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ वार्ता की मेज तैयार है, किसान लोग आए अपनी बात रखे। वास्तविकता तो ये है, जो स्वार्थी राजनीतिक दल है, बहुत से जो जो देश विरोधी तत्व है, ये भी कहने में मुझे कतई गुरेज नहीं है, वो लोग इसकी आड़ में सिर्फ अपना षड्यंत्र कर रहे हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक षड्यंत्र साध रहा है और जो राष्ट्र विरोधी तत्व अपना हित साधने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मथुरा जी कुछ कहना चाहते हैं, लगातार उनके साथ बैठक कर रही है, आगे आने वाले समय में इसका निस्तारण निश्चित रूप से हो जाएगा। यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जल्दी इसका निस्तारण हो जाए। जी जोशी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। राघवेंद्र भाई बहुत ही उससे कह रहे हैं कि बहुत से स्वार्थी राजनीतिक दल हैं, तमाम चीजें हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो बड़ी गंभीर बात है, जो विचार करने वाली बात है, अकाली दल कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के मेंबर थे, अटल जी के समय से। जी बिल्कुल, आज 20-25 साल हो गए इस बात को, ये सोचने वाली बात है। तो इसी में जवाब देते हैं कि अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों छोड़ा, केवल इसी मुद्दे पर। जो परनीत कौर जी हैं, उन्होंने केवल इस्तीफा इस बात पर दिया था कि ये जो 3 बिल आए हैं, देखिए वो किसान विरोधी बिल हैं, किसानों की भावनाओं के खिलाफ हैं, किसानों पर कुठाराघात कर रहे हैं और तमाम बातें उन्होंने कही हैं। तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी जवाब देखिए, हम तो केवल एक बात कर रहे हैं। देखिए, हर हमेशा आप भी देखते होंगे, आपका लोकप्रिय चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, आपने सवाल दे दिया हमको इस पर बैठने का, बात करने का, अपनी बात कहने का, कि आप जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य था, आज तक सरकार घोषित करती थी, इस सरकार ने आज तक भी घोषित नहीं किया कि धान का खरीद मूल्य क्या रहेगा, ये सरकार कम से कम घोषित तो कर दे। हम सब किसान हैं, सब लोग। सर, एमएसपी को लेकर तो पहले भी किसी तरह से कोई अलग से कानून बना हुआ नहीं था, ये तो खैर अब ये शंका की स्थिति हो गई है कि कहीं हमारी एमएसपी के साथ छेड़छाड़ ना कर ली जाए, तो ये नई मांग उठ रही है कि ठीक है आप कानून बना दीजिए। उसके लिए भी अब कहीं ना कहीं सरकार तैयार होती हुई नजर आ रही, तो ये कह देना कि सरकार बिल्कुल ही हठधर्मिता पर है, ये वाकई में जायज नहीं होगा, क्योंकि अगर वार्ता ही नहीं करेंगे तो कैसे समस्या का समाधान निकलेगा। ये बिल्कुल जायज है। देखिए, किसानों की एक राउंड की नहीं, 5 राउंड बात हो चुकी, 5 राउंड आपके सबके सामने, हमारे कोई मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। देखिए, 6 राउंड की वार्ता हो चुकी है अभी तक, 6 राउंड की बात है। देखिए, मैं गलत हूँ, आपने सही कर दिया, 6 राउंड की बात हो गई है। जी, सरकार कह क्यों नहीं दे कि एमएसपी ये रहेगी। बिल्कुल, 29 फसलें हैं जिनकी एमएसपी घोषित होती है, प्रति वर्ष घोषित होती है, ये कोई नई बात नहीं है। आज किसान ये कह दे रहा है कि आप गारंटी दीजिए हमको कि हम एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेंगे, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं, आप तो लेकर दीजिए जो भी करना है। आप केवल पूंजीपतियों को फायदा देना चाहेंगे, 4-5 बड़े घरानों को फायदा देना चाहेंगे, ये कहाँ संभव है, नहीं हो सकता ना। देखिए, मैंने एक जो सवाल पहले ही खड़ा किया, आज देश का किसान आंदोलित है तो क्यों किसान आंदोलित है, सरकार ने ये बात सोची। आप ही ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारे में जाके माथा टेक रहे हैं, ठीक है, दिल्ली के 4 बॉर्डर सील हैं, अगर प्रधानमंत्री जी एक बॉर्डर में जाके कहते हैं किसान भाइयों मेरे से क्या गलती होगी, मैं कल सुधार कर देता हूँ, तो ठीक है, कर लेते बात को, कोई दिक्कत नहीं, वहां का ही कोई राजनीति नहीं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हमारा कोई राजनीति को लेना देना भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कभी राजनीति नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो स्वामीनाथन, देखिए 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जिसने हिम्मत की किसानों का कर्जा हम माफ करेंगे। हम तो आगे भी कहते हैं हम और कर्जा माफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार इसकी गारंटी दे ना। सरकार कहाँ कह रही है, आप पूंजीपतियों का तमाम कर्जा माफ कर दे रहे हैं, एनपीए कितना हो गया सरकार का, कितना बड़ा, इसी सरकार का अभी डिबेट में समय कम होगा लेकिन मैं लंबा निकाल के चलता तो
डिबेट केवल मेरे पे ही खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार उस पर गंभीरता से विचार करने की बिल्कुल राघवेंद्र जी, मेरा आपसे यही सवाल होगा कि वाकई में किसान आंदोलित क्यों हैं? अब तो काफी लंबा समय बीत गया है कि किस तरह से किसान जो हैं अभी भी ठिठुर रहे हैं और कई किसानों की तो मौत भी हो गई है। मेरा सवाल आपसे यही रहेगा। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, आप दोनों लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। किसानों के मुद्दे पर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। नई जानकारी मिल रही है, नासिक से दिल्ली के लिए भी अब किसान निकल चुके हैं और अब वहां जाकर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है, लगभग किसानों का बड़ा वर्ग है जो हमसे खड़ा इको फिर होने लगी आवाज। मैडम, हेलो हेलो। जी जी राघवेंद्र जी, सही करवा देते हैं आपकी वॉइस। हम ये कह रहे हैं बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो हमारे समर्थन में खड़ा हुआ है। 10 बड़े किसानों के नेता जो हैं, जो बड़े बड़े किसान यूनियन है, वो हमारे समर्थन में खड़े हुए हैं। पहली बात तो ये, देश का अगर एक भी किसान इस कानून को नहीं समझ पाता है या उसके विरोध में खड़ा होगा, वो हमारे लिए चिंता का विषय, उसकी शंकाओं का निस्तारण किया जाएगा। जो भी विषय है वो ईमानदारी से किसानों के हित में पहुंचाने के लिए हमारे कृषि मंत्री जी ने बहुत ही व्यवस्थित रूप से एक पत्र लिखा है। हमारा आग्रह है कि किसान जो नेता हैं, किसानों के संगठन हैं, किसान हैं, वो उस पत्र को पढ़ें, उसमें काफी शंकाओं का समाधान है। मैं एक विषय में और आना चाहता हूँ। मैंने 80 के दशक में महेंद्र सिंह टिकैत का किसान आंदोलन देखा, बहुत ही व्यवस्थित रूप से वो आंदोलन चला था। सरकार ने किसानों की बात कही थी, सुनी थी और किसानों ने अपनी बात कही थी, लेकिन उस आंदोलन में कोई अन्य बात नहीं आई थी। बड़े पैमाने पर पूरे देश के किसानों ने उसमें भाग लिया था। हमें लगता है लगभग 500 लाख किसान वोट क्लब पे आए हुए थे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी जो किसी की सरकार को किसी व्यक्तिगत रूप से या देश के प्रधानमंत्री के लिए या कोई ऐसी अव्यवस्था का वातावरण नहीं था। लेकिन मैं बहुत ही कष्ट के साथ ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो है सड़कें जाम की जा रही है या बैरिकेटिंग तोड़ी जा रही है या देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कुछ कहा जा रहा है, वर्तमान प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, मुझे नहीं लग रहा है ये जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो किसानों के हितरक्षक है और किसानों के हितैषी हैं। किसानों की बात सुनने के लिए हमारी सरकार ईमानदारी से दृढ़ संकल्पित है और सुनेगी, लेकिन अगर किसानों का भी अगर खुद की अपनी जो स्वयं अधिकार है, उनके मानवाधिकार है, उसी तरीके से दिल्ली की जनता के अन्य लोगों के भी मानवाधिकार है। मेरा ये आग्रह है,
सड़कों के जो एक जगह इनको अलॉट की गई थी, ये लोग अगर वहां पर व्यवस्थित रूप से अपना प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं या अपनी बातें कहते हैं तो वो ज्यादा उचित होगा। सड़क जाम करना या कोई बैरिकेडिंग तोड़ना या कोई अराजकता का वातावरण बनाना वो किसी के भी हित में नहीं है, देश की जनता के हित में नहीं है, दिल्ली की जनता के हित में नहीं, ना ही उनके हित में है। ये आप कैसे खाली करवा लेंगे? सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया था, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल फिलहाल में दखल देने से मना कर दिया है। उल्टा आपसे ही सवाल पूछा गया है कि क्या हाल फिलहाल के लिए इन कानूनों को रद्द नहीं किया जा सकता? आप कैसे वो जगह खाली करवा लेंगे? और एक के बाद एक अलग अलग राज्यों से वहां पर किसान जमा होने शुरू हो गए हैं राघवेंद्र जी। नहीं अब ये जो है गेंद मैं किसानों के पाले में डाल रहा हूँ, मैंने अपनी बात कही थी, अगर कोई प्रदर्शन या धरना करना होता है तो एक व्यवस्थित रूप से एक जगह में होता है, या एक मंच होता है, शौचालय की व्यवस्था होती है, खान पान की व्यवस्था होती है, वो बुराड़ी में जगह दी गई थी, इन लोगों को वहां पर यह व्यवस्था करनी चाहिए थी। जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको फिर जाना चाहता हूँ, महेंद्र सिंह टिकैत ने 80 के दशक में प्रदर्शन किया था, इससे सैकड़ों गुना बड़ा प्रदर्शन था वो, लेकिन बहुत ही व्यवस्थित प्रदर्शन था, दिल्ली की जनता को कोई परेशानी नहीं हुई थी। मैं बार बार आग्रह करना चाह रहा हूँ, अगर कोई विषय पहुंचाना है उसका एक उचित माध्यम होता है, एक उचित तरीका होता है, ये कोई तरीका ऐसा नहीं होता कि मैंने सड़क जाम कर दी, खाना नहीं पहुंचने दिया, दूध बंद कर दिया, गैस नहीं पहुंचने दी, हमारे सैनिकों को रसद नहीं जा रही है, तो ये तो एक अराजकता का वातावरण है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार बहुत ही पोलाइट तरीके से ईमानदारी से प्रयास कर रही है, किसानों की बातों को पूरी तरीके से समझा जाएगा, जो उनके मन में शंकाएं हैं उन शंकाओं को भी दूर किया जाएगा और निस्तारण किया जाएगा। मुझे ये पूरा विश्वास है आगे आने वाले समय में जो हमारे किसान भाई है वो लोग इस विषय से, जो किसानों के जो कानून है तीनों जिन्हें काला कानून बताया जा रहा है, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, काले कानून की बात तो सब कर रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दल कर रहे हैं, किसान संगठन कर रहे हैं, लेकिन ये तीन जो कानून है उसमें जो टू द पॉइंट कोई बात करने को नहीं तैयार है। हमारे कृषि मंत्री जी ने टू द पॉइंट एक एक विषय पर चर्चा करके एक एक विषय को इंगित करके पत्र लिखा हुआ है किसानों को, अगर प्रदेश का देश का जो किसान है उस पत्र को पढ़ लेता है तो उनकी सभी शंकाओं का उन्मूलन हो जाता है, वो निर्मूल हो जाए पूरी तरीके से। आपने तो प्रस्ताव भी भेजा था, आपने तो पत्र भी जारी कर दिया है, जिन किसानों के लिए ये कानून बनाया जा रहा है उन्हें वो कानून चाहिए ही नहीं, समस्या तो यही आ रही है। मथुरा दत्त जोशी जी, क्या आपको भी लग रहा है कि वाकई में किसानों को इस समय जो ये बॉर्डर बंद किए गए हैं, आज भी कई बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, वाकई में इस तरह का काम करना चाहिए या फिर जहां सरकार ने उन्हें जगह दे दी है वहां जाकर प्रदर्शन अपना चालू रखना चाहिए? निश्चित रूप से करना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। अभी राजेंद्र भाई ने टिकैत जी के आंदोलन की बात की है, मैं याद दिलाना चाहूंगा टिकैत जी का जब आंदोलन हुआ था, माननीय वीर बहादुर सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी, अगर इनको याद होगा शामली की मीटिंग में वीर बहादुर जी आए थे और तपती धूप में जून के महीने में टिकैत जी के साथ बैठकर समझौते की बात कही थी और समझौता नहीं हो पाया था तो भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय राजीव गांधी जी आए थे, उन्होंने किसान प्रतिनिधि को दिल्ली में बुलाया था, बात की थी प्रधानमंत्री हाउस में आती, क्या आज के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं? आप ही ने अभी कहा गुरुद्वारे में गए हैं, ठीक है अच्छी बात है, आस्था का प्रतीक है, हम सब जाते हैं गुरुद्वारे में, कोई दिक्कत नहीं, जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। आप किसी बॉर्डर में जाके किसान भाई से कह लेते कि भाई आंदोलन हो रहा है और आप अगर सहमत नहीं तो बताइए क्या हो सकता है, बात करिए, छह राउंड की बात होगी किसानों के साथ, किसान बैठ के कह रहे हैं कि आंदोलन ये ठीक बात नहीं है, कानून ठीक नहीं है, इससे हमको ये नुकसान होगा, ये हमको ये नुकसान हो रहा है, तो सरकार को मानने में क्या दिक्कत हो रही, सरकार कहती नहीं रही कि ये गलत हो रहा है। आज माननीय कृषि मंत्री जी 6 पेज का पत्र लिख रहे हैं जी, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं, इसका अर्थ देखिए, आपका लोकप्रिय चैनल है, आप भी नहीं समझ पा रहे, हम भी नहीं समझ पा रहे। मैंने सवाल किया कि किसान आंदोलन तो क्यों है, सरकार इसका समाधान निकाल ले पहले, क्या दिक्कतें हो रही, पूरे ऑल ओवर इंडिया से सारे भारत वर्ष के किसान आंदोलित हैं, आप मंडियों को समाप्त कर देना चाहते हैं, आप MSP को समाप्त कर देना चाहते हैं, आप किसान की उपज का दोगुना मूल्य देने की बात 2022 तक कर रहे थे, तो क्या आपका यही नीति है, आपकी कृषि नीति क्या है, वो कोई कहीं आज तक इस सरकार की 6 साल 7 साल होने जा रहे हैं,
7 साल पूरे हो जाएंगे जून में, क्या कृषि नीति आई है सरकार की? वो किसान के लिए क्या करेगी, किसान के बच्चे के लिए क्या करेगी, किसान के आश्रितों के लिए क्या करेगी? ये देश की समस्या तो यही आ रही है मथुरादत्त जोशी जी की, किसान अभी नीति और नियत दोनों ही नहीं समझ पा रहे हैं। ये दोनों ही अगर समझ में आ जाते तो फिर किसान आंदोलन इस समय क्यों होते, वहां पर क्यों बैठे होते, इतनी ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को वो मजबूर हैं। लगातार एक के बाद एक कई किसानों की मौत भी हो रही है, समस्या तो यही आ रही है। समय की कमी है सर, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच सरकार ने एक बार फिर से उन्हें प्रस्ताव भेजा है वार्ता के लिए। अब वार्ता की तारीख किसानों को ही तय करनी है। इस बार गेंद जो है किसानों के पाले में ही डाल दी गई है, लेकिन वाकई में सवाल यही उठता है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, क्यों सरकार अपनी बात समझाने में इतनी नाकाम साबित हो रही है, और आखिर कैसे इस पूरे समस्या का समाधान निकलेगा, वाकई में सरकार अब क्या रास्ता अपनाएगी। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP News इन चैनल नंबर पर।